जैसा कि आपको मालूम है कि CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2020 आ गई है। असाइनमेंट में देखा था, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर आप इसको केयरफुली रीड करें तो इंस्ट्रक्शंस में जो उन्होंने चीज़ कही है वो उसके मुताबिक बनाते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा और फेसबुक को एड पेज करना ना भूलिएगा। वो कहता है प्लीज केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट। रूल्स ऑफ मार्किंग, मार्किंग के रूल्स क्या हैं? इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट वुड नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ, आपके असाइनमेंट में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर दिस असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, डेट के बाद सबमिट की गई। दिस असाइनमेंट सबमिटेड डज नॉट ओपन और द फाइल और इज करप्ट, कि फाइल करप्ट हुई और ओपन ना हो रही हो तब भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इफ द सबमिशन सॉल्यूशन इज कॉपी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट और द इंटरनेट। इंटरनेट से अगर कोई सॉल्यूशन कॉपी किया गया तो तब भी इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यू शुड कंसल्ट द रिकमेंड्स बुक्स टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट और हैंड आउट आर नॉट सफिशेंट। अगर हैंड आउट आपके आपको मदद नहीं कर रहे हैं तो रिकमेंडेड बुक से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं यू आर पोस्ट टू सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स फाइल एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेज PDF zip rar PPT एंड BMP यानी कि पेंट की फाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कहता है कि उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि असाइनमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि MS Word में ही सबमिट होगी। ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेब पेज बाय यूजिंग HTML। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट कहता है क्लियर कर लें। असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी ड्यू डेट के बाद या ईमेल और एनी केस वेदर इट इज केस और लोड शेडिंग और इंटरनेट मैन्युफैक्चरिंग ETC यानी कि अगर एक्सेप्ट नहीं होगी अगर लोड शेडिंग का हुआ या इंटरनेट का फॉल्ट हुआ तो तब ये एक्सेप्टेबल है। हिंस रिफिन, ये तो वैसे एक कॉमन सी चीज़ है जो हमें यही पता चलती है कि असाइनमेंट में क्वेश्चन स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं कि अपने सब्जेक्ट की तरफ, क्या उसने हमें क्वेश्चन क्या किए हैं। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग वेब पेज इन स्क्रीन शॉट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर दिस फॉलोइंग टेक्स, ठीक है। फर्स्ट वो कहता है राइट HTML कोड फॉर मेकिंग द वेब पेज। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। सपोज लाइक मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है नोटपैड प्लस प्लस, ये नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि रन द कोड इन द ब्राउजर प्रीव्यू स्क्रीनशॉट और द आउटपुट हैविंग योर विर्चुअल ID एंड योर नेम XYZ एज आउटपुट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से राइटिंग कोड HTML, ये इस तरह ले लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेडर लेंगे। हेडर के अंदर हम लेते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल में अपने स्टूडेंट आईडी लिख दें, सपोज लाइक BC या MC कुछ भी आपकी आईडी है, 1 2 3 4 5 6 समथिंग जो भी आपकी आईडी है। स्लैश टाइटल, टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमने हेड को भी क्लोज कर दिया क्योंकि हेड हमारा टाइटल में था, हेड भी हमारा बंद हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी जो नीचे प्रीव्यू दिखाना है। प्रीव्यू में उसने क्या पूछा है, प्रीव्यू में उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि रन द कोड, नीचे उसने स्क्रीनशॉट दी है कि इसके मुताबिक हमने अपनी असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा उसमें सबसे पहले उसने कहा है कि विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये राइट करें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये भी हमें प्रीव्यू में भी नजर आए। बॉडी में लिखेंगे,
अच्छा उसने वो बोल्ड लिखा हुआ है मोटे अल्फाज में है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद वो हेडिंग लगाते हैं श्री में कर लेते हैं, श्री में लिखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, TUAL वर्चुअल टी पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे, उसके बाद H3 को क्लोज कर देना है, उसके बाद बोर्ड को क्लोज कर देना है। इसको साथ साथ हम टेस्ट करते चलें, सेव करते हैं। सेव के लिए साथ डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, IDBC 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। ये हमारी आईडी आ गई, फोल्डर बन गया। यहाँ हम टाइटल देते हैं BC 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू में हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, बीसी का फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के लिए अच्छा ये सेव जब की है तो .txt में हो गई है, इसको मैं करता हूँ सेव एस .html, HTML की फॉर्मेट में इसको हम सेव करेंगे तो ये हमें प्रीव्यू भी दिखाएगी, ठीक है। ये HTML फॉर्मेट आ गई, इसको मैं उठा के ब्राउजर के इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ये उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एज पर रिक्वायर्ड जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है उसके मुताबिक ये असाइनमेंट में दे दिया गया, ठीक है। ये देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा उसके नीचे उसने पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे हम, पैराग्राफ में करते हैं पी, पैराग्राफ लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोमा लगा दिया, पाकिस्तान फर्स्ट कंप्लीटली ऑन मॉडर्न मॉडर्न इंफॉर्मेशन, इसको भी हम पैर से बंद कर देते हैं। जिस तरह हम पैर से बंद करेंगे इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये चीज पैरे के अंदर लिखी हुई आ गई जो ऑन रिक्वायर्ड थी, ठीक है। उसके बाद वो आगे कहता है नेम H3 बी नेम XYZ कोई भी आपका नेम है स्लैश बी स्लैश H3 सेव कर देते हैं। इसको हम जिस तरह ही अब प्रीव्यू करते हैं तो उसने नेम मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है वर्चुअल आईडी लिख रही है, वर्चुअल आईडी अंडरलाइन है, ठीक है। इसको हम करते हैं यू अंडरलाइन के लिए H3, ठीक है। आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 H3 डैश यू, इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये चीज आ गई आईडी के नीचे लग गया। उसके बाद वो कहता है अटैलिक, यहां BR की कोड लगा देते हैं, BR अटैलिक H3 सेमेस्टर फर्स्ट अटैलिक H3, इसको सेव कर देते हैं। जिस तरह हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये ज्यादा नीचे हो गया है, इसका हम BR को यहां से खत्म करके देख लेते हैं। ये देखिए ये चीज आ गई सेमेस्टर फर्स्ट
H3 का फाउंट है, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है H3 के फाउंट में, तो हम इसको H3 के बजाय इसको हम पैराग्राफ में रख लेते हैं, यहाँ पे भी पैराग्राफ रख लेते हैं। अगर हम पैराग्राफ में इसको लिखेंगे तो ये देखें, सेमेस्टर फर्स्ट, ये फाउंट और ये फाउंट एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को भी अगर हम इसको पैराग्राफ में रख लेते हैं, पी, यहाँ से भी पी, और इसको हम अगर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये इस तरह आएगा। इवन दैट कि हमारा जो है उसमें थोड़ा सा मे बी फर्क आ रहा है, इसको हम जरा इसके साथ मैच करवा के देख लेते हैं कि आईडी में ये चीज आ रही है, और आई होप सो ये साथ है, इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं आगे कि वो कहता है कि बी बोर्ड ले लिया, उसके बाद हमने लेना है H4, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स आर SUWEST सबमिटेड टू विजिट बी फॉलोइंग लिंक्स, बोल्ड को बंद कर दिया, H4 को बंद कर दिया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ये फॉलोइंग लिंक्स टेढ़ा आ रहा था, मैंने वो चेक किया वो है, ये देखें अब ये एक्यूरेट आ गए। उसके बाद हम इसको लेते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, वन यहाँ करते हैं ए, इसको यहां से किया, यहाँ वेबसाइट है vu.edu.pk, इसको बंद करके vu वेबसाइट स्लैश ए, जो ए से स्टार्ट किया स्लैश पी, ये इस तरह आ गया। इस पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसके अंदर हमने लगाना है यहाँ पे HTTPS, ये लगा दिया। अगर हम इसको अब रिफ्रेश करके देखेंगे, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है, इसका मतलब ये हमारा लिंक वर्किंग में आ गया। सेम इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखता हूँ टू, यहाँ पे लिखते हैं lms.vu.edu.pk, यहाँ लिखते हैं LMS टूडेंट पोर्टल पोर्टल, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं LMS स्टूडेंट पोर्टल, ये ओपन नहीं हो रहा है, ये आई थिंक या तो LMS का पार्ट है, एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अच्छा ये LMS का क्या था, ये LMS था VU LMS, ठीक है, ये VU LMS था, अब ये ओपन होगा, ठीक है, ये LMS ओपन हो गया, ये हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी को ही इसी तरह ही आपने क्या करना है कि इसकी कोडिंग लेनी है, कॉपी करना है,